सभी को ओम शांति। आज है 19 दिसंबर 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन मीठे बच्चे शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। तुम्हें पहले ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं। प्रश्न, बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाप की इंसल्ट है। बच्चे बाप से पूछते, बाबा आपकी स्तन में पधरामणि कब तक है व विनाश कब होगा। बाबा आपकी स्तन में पधरामणि कब तक है व विनाश कब होगा। बाबा कहते, ये जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो। मेहमान से पूछना कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे, यह तो इंसल्ट हुई ना। कहेंगे, क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूँ। शिव बाबा तो जब तक यहाँ हैं तब तक तुम बच्चे खुश हो ना, इसलिए ऐसे प्रश्न बाप से नहीं पूछने चाहिए। ओम शांति। बाप बैठकर ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी समझते हैं कि निराकार बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। बाप तो है निराकार, किसको साक्षात्कार भी कराना होगा तो ब्रह्मा का शरीर ही सामने करूँगा। अगर खुद का साक्षात्कार कराए तो कोई समझ ना सके, वह तो एक बिंदी है। अब जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। यह बुद्धि से समझा जाता है, भल साक्षात्कार हो भी चीज तो वही देखेंगे और क्या चीज हो सकती है। अक्सर करके बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते हैं कि इनके पास जाओ। बाबा आज बच्चों को साक्षात्कार के बारे में समझाने दे रहे हैं कि छोटी चीज को कोई समझ ना सके, ब्रह्मा द्वारा बाप बैठ समझाते हैं, नॉलेज देते हैं। कहते हैं, बच्चों मैं इस साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूँ। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, समझेंगे बाबा इसमें है, यह बाबा का रथ है। बाबा नहीं होता तो यह ब्रह्मा भी काहे का, तो यह बीके भी काहे का। बच्चों को नॉलेज मिलती है, तुम समझते हो, यह नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे नहीं सकते। नॉलेज फुल वह निराकार है, सिवाय ऑर्गन्स के ज्ञान दे कैसे सकते। बच्चों को यह निश्चय हो जाना चाहिए कि इस समय बाबा हाजिर नाजिर है। बुद्धि कहती है, बाबा इसमें प्रवेश है, जो बैठ नॉलेज देते हैं। उस परमपिता परमात्मा के सिवाय स्वर्ग का वर्षा मिल ना सके। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार आदि मनाए जाते हैं वो सब इस समय के ही यादगार हैं। शिव जयंती भी इस समय का ही त्योहार है। त्रिमूर्ति शिव परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण थोड़े ही नई दुनिया की स्थापना करेंगे। ब्राह्मण कुल चला आता है, उनको यह पता नहीं कि ब्राह्मण सो देवता बन जाते। ब्रह्मा की औलाद तो ब्राह्मण हो, जो भी मनुष्य मात्र है सब धर्म वाले, उन्हों को समझ में आता है कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है। क्या समझा रहे हैं बाबा, कि जो भी मनुष्य मात्र है सब धर्म वाले, उन्हों को समझ में आता है कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, जिसको आदम बीबी अथवा आदिदेव आदि देवी कहते हैं, वह भी शिव बाबा की रचना है। बाबा ने रचना कैसे रची, एडॉप्ट किया, यह है पहले नंबर की बात। अल्फ के बाद फिर बे। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वही उच्च पद पाते हैं।
अभी तुम बच्चे समझते हो मनुष्य कितना घोर अंधियारे में है। कल्प पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे, वह सीन फिर होगी, होना भी जरूर है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं, न पुरुषार्थ करेंगे। सत्युग में तो इतने मनुष्य आ ना सके, वहाँ बहुत थोड़े होंगे जो सूर्यवंशी घराने में राज्य करेंगे। सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। क्या गुहिया पॉइंट बता रहे हैं बाबा कि वहाँ बहुत थोड़े होंगे, कहाँ सत्युग में जो सूर्यवंशी घराने में राज्य करेंगे। सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। कोई बात का रिस्पॉन्ड ड्रामा में होगा तो बताऊंगा, ड्रामा का सारा राज अभी थोड़े ही बताऊंगा। मेरे में भी पार्ट रूधा हुआ है, जैसे इमर्ज होता जाता है, तुमको समझाता जाता हूँ। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में नहीं होता तो रेस्पॉन्ड करेंगे नहीं। ऐसे नहीं कि अभी बता दूंगा कि बाकी इतने वर्ष हैं। बाबा से पूछते हैं, बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफिरी करेंगे, बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफिरी करेंगे, बताएंगे नहीं। ड्रामा में है नहीं तो क्या कर सकते, ड्रामा में होगा तो बताएंगे। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। बाबा बच्चों को समझाने दे रहे हैं कि मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, मैं तुम्हारा बाप ही हूँ। तुम गाते हो तो मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। वही पाठ बजा रहा हूँ, मेरा फर्ज है तुमको शिक्षा देना। बाबा का फर्ज क्या है, बच्चों को राजयोग की शिक्षा देना, ज्ञान योग की शिक्षा देना। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो शिव बाबा को मनुष्य क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। चैतन्य बीज तो सब कुछ बताएगा ना, चैतन्य बीज तो सब कुछ बताएगा ना। इस झाड़ पर बनियन ट्री का मिसाल दिया जाता है, इस झाड़ पर बनियन ट्री का मिसाल दिया जाता है। तुम देखते हो देवी देवता धर्म अभी है नहीं, बाकी सब धर्म है, अभी ये सब खलास हो जाएंगे, फिर अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। मैं देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, जब वह धर्म प्राय लोप है, चित्र है, परंतु यह किसको पता नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, कहाँ गुम हो गया। सिर्फ कहेंगे लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह शास्त्र आदि सब भक्ति के लिए है। द्वापर में बैठ यह शास्त्र आदि बनाएंगे। सचखंड में सिर्फ देवता राज्य करते थे, सचखंड में कौन राज्य करते थे, सिर्फ देवी देवता। यह है ही झूठ खंड, वहाँ तो कोई भी पाप नहीं होता। अभी बाप तुमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं, ड्रामा में दूध है। रावण राज्य में ही भक्ति शास्त्र आदि शुरू होते हैं। रावण राज्य में क्या शुरू होता है, भक्ति शास्त्र जब तब सब कुछ इसी समय शुरू होता है। यह अनादि ड्रामा शूट हुआ पड़ा है, यह है ही झूठी दुनिया। ईश्वर के लिए भी झूठी झूठ बोलते हैं, ईश्वर तो ऊंचते ऊंच है। हम उनसे मिलने चाहते हैं तो जरूर उनसे कुछ मिलता है, बाप से क्या मिलेगा। वह है सर्व का सदगति दाता, वह है सर्व का सतगति दाता, सर्व को दुख से छुड़ाते हैं। रावण भी बड़ा जबरदस्त है, आधा कल्प उनका राज्य चलता है, परंतु वह दुख देते हैं, इसलिए सब मनुष्य बाप को याद करते हैं। रावण तुम्हारी सारी राजधानी छीन लेता है, इतना जबरदस्त है। अब तुमको मालूम पड़ा है, बाप हमको वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि बाप कब वर्षा देते हैं। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने से गीता को झूठा कर दिया है, बड़े से बड़ी भूल यह है। ये बाबा भी तो नारायण का पक्का भक्त था, गीता पढ़ता था, गीता पढ़ने बिगर कोई काम नहीं करता था। जब साक्षात्कार हुआ, निश्चय हो गया कि बाप हमको यह लक्ष्मी नारायण का वर्षा देते हैं। अभी तो बहुत कुछ समझ में आ गया है, शिव बाबा समझाते रहते हैं, कभी कोई शास्त्र नहीं उठाया, बाबा सुना रहा है। यह भी कहते हैं मैं सुन रहा हूँ, कभी बाबा नहीं है तो यह भी सुनाते हैं, कभी बाबा नहीं है तो यह भी सुनाते हैं, इसमें बाबा है, इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि कभी बाबा नहीं है तो यह भी सुनाते हैं, इसमें बाबा है, इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है। अजमेर में एक मंदिर बनाया है, परंतु कुछ समझते नहीं है।
तो बाबा क्या समझा रहे हैं कि अभी तो बहुत कुछ समझ में आ गया है। शिव बाबा समझाते रहते हैं, कभी कोई शास्त्र नहीं उठाया, बाबा सुना रहा है, यह भी कहते हैं मैं सुन रहा हूँ, कभी बाबा नहीं है तो यह भी सुनाते हैं, इसमें बाबा है इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है, अजमेर में एक मंदिर बनाया है परंतु कुछ समझते नहीं है, श्री कृष्ण को मुरली दी और सरस्वती को सितार दी है, सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है, गॉड ऑफ नॉलेज ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया है, मूझ गए हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, त्रिमूर्ति में श्री कृष्ण तो है नहीं, भल करके है परंतु गुप्त राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह भी किसको पता नहीं है कि परमपिता परमात्मा ने समझाया था, अब भी समझाते रहते हैं, साधु संत आदि इस बात को समझ जाए तो यहाँ सबकी भीड़ मच जाए। तो बाबा क्या समझाने दे रहे हैं कि साधु संत आदि इस बात को समझ जाएं तो यहाँ सबकी भीड़ मच जाए, परंतु ड्रामा में ऐसे भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं संगम पर आकर राजयोग सिखाता हूँ, जो पास होते हैं वह सूर्यवंशी बनते हैं, जो फेल होते हैं वह चंद्रवंशी बनते हैं, सूर्यवंशी की प्रजा सूर्यवंशी होगी, चंद्रवंशी की प्रजा चंद्रवंशी होगी, तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है, तुम हो सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण, यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल, तुम सेवाधारी हो, तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो, तुम्हारे लिए स्वर्ग जरूर चाहिए। तो बाबा यह समझाने दे रहे हैं कि तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है, तुम हो सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण, यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल, तुम सेवाधारी हो, तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो, तुम्हारे लिए स्वर्ग जरूर चाहिए, पुरानी दुनिया को खत्म करना पड़े, श्रीमत पर तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, यादवों की राजाई खत्म होनी है, पांडव राजाई स्थापन कर रहे हैं, पांडव क्या कर रहे हैं, राजाई स्थापन कर रहे हैं नई दुनिया के लिए, पुराने भंभोर को आग लगनी है, यह भी समझते हो, बाकी कितने दिन होंगे, बहुत थोड़े, बाकी कितना समय है यह हम पूछ नहीं सकते, मेहमान से पूछा नहीं जाता है आप कितने दिन रहेंगे, कहेंगे मैं शायद बोझ हूँ, शिव बाबा कहते हैं मैं यहाँ हूँ तो तुम खुश रहते हो ना, फिर पूछते क्यों हो कि कब तक पधरामणि है, यह पूछना भी जैसे इंसल्ट है, इसमें भी लज्जा आनी चाहिए, यह पूछना तो ऐसे हुआ कि बाबा जल्दी जाए तो अच्छा, इसलिए ऐसे ऐसे सवाल बाबा से पूछ भी नहीं सकते, तो अच्छा इसलिए ऐसे ऐसे सवाल बाबा से पूछ भी नहीं सकते, ऐसा बाप तो कोई हो ना सके, बच्चे ही बाप को जान गए हैं, बच्चे किसको जान गए हैं, बच्चे बाप को जान गए हैं, श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि इसमें परमात्मा है, श्री कृष्ण की याद आता रहेगा, परमात्मा तो याद आ ना सके, श्री कृष्ण को ही देखते रहेंगे, शिव को याद ही ना करें, इसलिए तुम बच्चों को समझाया गया है कि शिव बाबा को याद करो, देह अभिमान में नहीं आना है, देह अभिमान में नहीं रहना है, श्री कृष्ण की महिमा कोई कम नहीं है, बाप कहते हैं मुझे आना ही है पराए देश पुराने शरीर में, बाप कहते हैं मुझे आना ही है पराए देश पुराने शरीर में, श्री कृष्ण तो रावण के देश में आ ना सके, अब तुम जानते हो कि श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब इस शरीर में है, यह अंतिम शरीर है, बाबा हमें समझा रहे हैं कि अब तुम जानते हो कि श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब इस शरीर में है, यह अंतिम शरीर है, यही फिर नंबर वन पावन शरीर बनता है, यह सब बातें और कोई की बुद्धि में आ ना सके, रावण का चित्र बनाते हैं परंतु समझते नहीं हैं कि रावण की प्रवेशता कब से हुई है, जलाते ही आते हैं, यही फिर नंबर वन पावन शरीर बनता है, यह सब बातें और कोई की बुद्धि में आ ना सके, रावण का चित्र बनाते हैं परंतु समझते नहीं हैं कि रावण की प्रवेशता कब से हुई है, जलाते ही आते हैं, मर जाए तो फिर जलाना बंद कर दें, मरता नहीं, हर वर्ष जलाते हैं, यह सब है भक्ति मार्ग, बाप कहते हैं मैंने तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया, तुम फिर शूद्रवंशी बने कैसे, अब फिर तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना रहा हूँ, अभी तुम जानते हो हम विश्व पर जीत पाते हैं फिर हार खाते हैं, जब देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था,
अब फिर यह धर्म स्थापन होगा। अब फिर वह धर्म स्थापन होगा तो और सब धर्म खत्म हो जाएंगे। आसार भी तुमको देखने में आएंगे। कितना साइंस का काम चल रहा है, खुशी भी मनाते हैं। ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो 3-4 घंटे में लंदन पहुंच जाएगा। ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो तीन चार घंटे में लंदन पहुंचाएगा। आजकल एरोप्लेन में हाथी, बंदर, मेंढक सब जाते हैं। यह सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। बाबा देखिए कितना सुंदर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आजकल एरोप्लेन में हाथी, बंदर, मेंढक सब जाते हैं। यह सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वहाँ विमान में घूमते हैं। अभी तुम ऊंची तकदीर बनाने के लिए आए हो। तुम सो देवी देवता बन रहे हो। स्वर्ग का नाम गाते हैं परंतु जानते नहीं कि स्वर्ग कब था। तो देखिए बाबा ने मुरली में ये इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी थी, ड्रामा प्रमाण, कि ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो 3-4 घंटे में लंदन पहुंचाएगा। आजकल एरोप्लेन में हाथी, बंदर, मेंढक सब जाते हैं। ये सुख के लिए भी हैं तो दुख के लिए भी हैं। वहाँ विमान में घूमते हैं। अभी तुम ऊंची तकदीर बनाने के लिए आए हो। तुम सो देवी देवता बन रहे हो। हम क्या बन रहे हैं? हम देवी देवता बन रहे हैं। स्वर्ग का नाम गाते हैं परंतु जानते नहीं कि स्वर्ग कब था। कहते हैं स्वर्ग पधारा तो जरूर नरक में था, परंतु सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो गुस्सा लगेगा। अब तुम्हारे में ताकत है, तुम कह सकते हो। तुम पतित पावन को बुलाते हो तो जरूर पतित हो। बाप कहते हैं अब झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। वहाँ भारी लड़ाई मशहूर है। तुम जानते हो हम आए हैं राजाई लेने। हम स्थापना के निमित्त हैं। आगे चल यह सन्यासी महात्माएं भी तुम्हारी बात मानेंगे। यह सब ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणाएं गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। रूहानी सेवाधारी बनना है। हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। यह है दूसरी पॉइंट। इस नशे में रहना है। किस नशे में रहना है? कि हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। इस नशे में रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। आज का वरदान परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चित भव। परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चित भव। दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है और आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्म चिंतन है, इसलिए बेफिक्र हो। करण करावन हार कौन है? बाबा है। करावन हार करा रहा है, आप निमित्त बन करके करने वाले हो। करावन हार करा रहा है, आप निमित्त बन करने वाले हो। बाबा क्या समझा रहे हैं कि करावन हार करा रहा है, आप निमित्त बन करने वाले हो। सर्व के सहयोग की अंगुली है, इसलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। यही है बेफिक्र निश्चित स्थिति। स्लोगन है सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। अच्छा, सभी को ओम शांति।